बेटा ये शादी नहीं होगी, मना कर दो, शादी नहीं तुम्हारे जीवन की बर्बादी है। अरे धरते मोरे उतार कहीं कुचार धरे का पत्ता, धरते मोरे उतार कहीं कुचार धरे का पत्ता, धरे का पत्ता। तू तूला इतना न परे बुरता, तू तूला इतना न परे बुरता। बेटा ये शादी हरगिज नहीं होगी, क्योंकि अगर द्वारकाधीश का नहीं आएंगे तो तुम पेश नहीं जाएगी तुम्हारी। अरे वो तो स्वयं भगवान है, भूतल का भार हरण करने के लिए आए हैं। जब जब हो या धर्म की हानि, ओ बाहर है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब दुष्टों का आतंक बढ़ता है, आतातायु उपद्रव करते हैं, पृथ्वी पापों से दबने लगती है परीक्षित जी, तब तक भगवान कहीं ना कहीं रूप बदल करके अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। भाभी समझाए के बोली है, बेटा भगवान से तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, वो स्वयं परम ब्रह्म है, उनसे जीत के नहीं निकल पाओगे। अपमान के अलावा तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, केवल अपमान लगेगा, क्योंकि तुम कौन से खेत की मूली हो। भगवान ने कंस जैसे महापराक्रमी को भी मार डाला, पछाड़ दिया, जरासंध को एक बार नहीं, तुम्हारे मित्र जरासंध को 17 बार हराया, और 10,000 हाथियों की शक्ति थी, 10,000 हाथियों की ताकत थी, कुबलिया पीड़ हाथी को भी भगवान ने पछाड़ दिया, इतने बड़े गिरिराज जी पहाड़ को उठा लिया। अकासुर बकासुर पूतना तड़ा बरस सकासुर धैनकासुर प्रलम्बासुर मुष्टक चारुण संतोषल, बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को, बड़े बड़े राक्षसों को, मायावी दानवों को धराशायी कर दिया, तो तुम हो ही क्या भगवान के सामने। सुन भाभी के बेन बड़ी तन ज्वाला, ज्वाला अब मेरो का करे नंद को लाला, मेरी भावज सभी तरह से कमजोर, जात पात को पतो न हैरो जग में, चिंता मत करो भाभी, चिंता मत करो, ये कंस नहीं जरासंध नहीं सस्पाल है, सस्पाल से जंग रोपना लोहे के चने चबाने। भाभी समझाए कि बोली बेटा देवर मैं बड़ी हूँ और आपसे उम्र में भी बड़ी हूँ, आयु में तो बड़ी हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे अनुभव भी है, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए बेटा मेरी बात अनदेखा मत करो, मत ठुकराओ। समझाया कि बोली भाभी, अरे दीवाना सीखा मान ले हमारी, करने मत जाओ,
तुम अच्छे राजा हो, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी राजकुमारी मिल जाएगी। रुक्मणी के साथ शादी करके अपनी मौत को निमंत्रण मत दो। शिषपाल ने एक नहीं मानी, भाभी ने नाना भांति समझाया और भक्तों से देवठान का ध्यान किया। 15 दिन बाकी हैं, सोचा हम 15 दिन पहले ही सिकंदरपुर में इतनी फौज टिका देंगे, इतनी फौज लगा देंगे कि कन्हैया क्या कन्हैया के फरिश्ते भी नहीं अंदर आ सकते। दंत वक्र को उससे कहा भैया फौज सजाओ, पूरी सरवा से कहा भैया फौज सजाओ, मगध के राजा जरासंध को खत भेज दिया भैया फौज लेकर के आना, मेरी बारात में सम्मिलित होना। कौरव पांडवों को हस्तिनापुर के लिए खत भेज दिया। भक्तो परीक्षित महाराज, शिषपाल ने अपने विशाल फौज को सजाया और उसने चारों तरफ से 33 प्रेमियों को निमंत्रण पत्र भेज के अपनी अपनी फौजों को लेकर के आए राजा महाराजा, और विशाल बारात चली है फौजों के साथ में। सज धज करके शिषपाल दूल्हा बन के सवार होता है। अरे सजे सूर सामंत और पीर पर बंदी इरादे मन में और कांधे पे धनुष और बाण देगी दक्षिण, उत्तर की दिशा खाली है परीक्षा जी, अलोपा देवी का मंदिर है, पूरा नदी बह रही है किनारे से, उत्तर की दिशा खाली है। उत्तर की दिशा खाली क्यों थी परीक्षा जी?
वो भी मैं बता दूं आपको। रुकुम ने एक महायज्ञ किया था, महायज्ञ, और माता दुर्गा को प्रसन्न किया था। तो माता दुर्गा ने ये आशीर्वाद दिया था कि रुकुम, उत्तर दिशा से कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, इसकी सुरक्षा उत्तर दिशा की तरफ से रक्षा मैं करूंगी तुम्हारे नगर की। और जब भगवान कन्हैया पहुंचे थे परीक्षित जी, तो मैया दुर्गा भी वहां से किनारा कर गई थी, वहां से अलोप हो गई, भाग जाती है, तो नाम पड़ा अलोपा। और आज भी मंदिर है वो अलोपा देवी का, आज भी कुदरकोट पे आप लोग कितने लोग घुमाए अलोपा देवी की मठिया पर घुमाया, देखे पुराने कुछ, आज भी वहां पर पुराने दृश्य है, प्राचीन दृश्य। नीचे भयानक नाथ जी का मंदिर है, अलोपा देवी की मठिया है, उसके किनारे से पूरा नदी बह रही है। एक गुफा भी बताते हैं लोग, अब तो वो बंद हो गई गुफा, कई हादसे हो गए, कई वो गुफा ऐसी थी कि सीधे गुफा के द्वारा ही माता रुक्मणी जी कन्नौज घाट पर स्नान करने के लिए जाया करती थी अंदर ही अंदर, आज भी। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ महात्माओं का कत्ल हुआ था, शायद डेढ़ दो साल हो गए आचार्य जी, चार महात्मा काट दिए थे लोगों ने, तो तब से वहां पर भयानक नाथ जी के पास तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहती है। अभी मैं तो गया था तो कुछ समय पहले, वहां पर एक ट्रक था पीएससी का, तो भक्तों बहुत रमणीक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अलोपा देवी, भगवान कृष्ण, सभी देवी देवताओं का बड़ा आदर और सत्कार किया जाता है, हम लोग उनके उपासक हैं, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं ये नहीं मानते हैं। तो वहां पर गौ तस्करी वगैरह होती रहती है, इसीलिए कुछ लोगों के हृदय में डर भी रहता है। भयानक नाथ का भी मंदिर बहुत अच्छा है, अलोपा देवी के मंदिर भी है ऊपर खेरे पर। तो भक्तों, अलोपा देवी उत्तर दिशा की रक्षा कर रही थी, इधर तीन दिशाओं से घेर ली, पूरब पश्चिम और दक्षिण। इधर माता रुक्मणी जी ने जब सुना कि मेरे भैया रुकुम ने अपने साले शिशुपाल को बुला लिया और 15 दिन पहले से आ गया, उसने फौज टिका दी। माता बहनो भाई बंधुओं, उसी समय रुक्मणी के हृदय पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने वज्र डाल दिया हो। रुक्मणी रोने लगी घुटनों में सर छुपा करके, हे प्रभु अब क्या होगा, दीन बंधु दीनानाथ अब क्या होगा, हे प्रभु। ओ मुरली बारे
चमड़ी बिलखने लगी, इस वज्र को सहन नहीं कर पाए। हे श्याम अब क्या होगा, भैया का साला आ गया, मैं मर जाऊंगी बगैर मगर रत्न भैया के साले सतपाल के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। बिलग रही है रुक्मणी माता, रोते 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 रुक्मणी जी को नींद आ गई माताओं और धरती पे ही लेट गई। जब लेट गई माताओं सो गई तो भगवान सपनों देने लगे। और एक बात तो कहेंगे माताओं बनो भाई बंधु, अगर भगवान को तुम भाव से बुलाओगे तो भगवान दौड़े चले जाएंगे। हृदय में भाव होना चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सुई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। याद रखना कि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु बोले, भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किसो। जिस भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। हमको बढ़े जो एक डग बाको डग हम साट, हमको हटे जो एक डग हम लोहे की। ध्यान रखना भाइयों, हृदय में भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं बनाओगे तब तक भव सागर से बेड़ा पार होने वाला, क्योंकि कोई वस्तु लेनी हो ना तो भाव करना पड़ता है ना। बिल्कुल भैया, चाहे फल लो चाहे सब्जी लो, का भाव है, आलू का भाव है, केला का भाव है, मटर का भाव है, तो पहले भाव करना पड़ता। जब तक हृदय में भाव नहीं बनाओगे, मन का माला नहीं फेरोगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं नहीं होगी। रुक्मणी सो जाती माताओं तो भगवान सोते समय रुक्मणी